लाइव शो फजल रबी में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। खुदामंद का शुक्र अदा करते हैं कि ये उसकी मेहरबानी की दलील है, सबूत है कि वो हम इंसानों से हम कलाम होता है, हमें तरबियत और आगाही के मौके फराहम करता है ताकि हम सीखें और आगाह हों। जब हम अंजील का मुतालिया करते हैं तो बहुत सी निशानियां बयान फरमाई गई हैं आखिर जमाने के ताल्लुक से, और ख़ास तौर पर आज भी दिल दुखी है। मुख्तलिफ ममालिक में जलजले की वजह से बहुत सी कीमती जानें इस दुनिया से चली गई, बहुत से लोग गमजदा हैं, दुख में हैं, बेआसरा हैं, लाचारी की हालत में हैं। और जब मैं खबरें सुन रहा था, देख रहा था तो कराची शहर में फिर से खून की होली खेली गई है। पुलिस के 7 अहलकार मौत के घाट उतार दिए गए। लम्हा फिक्रिया है, तदबीरें बंजर हैं, दुआएं जवाब की मुंतजिर हैं, हौसले टूट के ऐसे बिखरे हैं कि इकट्ठे करना मुश्किल है। खुदा का कलाम, इल्हामे कुतुब हमारी मुंतजिर हैं कि जहां से रहनुमाई पाने की जरूरत है उस तरफ आए तो रहनुमाई मिलेगी। हमारी दुआ है खुदा गमजदा खानदानों को सब्र अयूब अता फरमाए और तमाम इलाकों में लोग उसकी मोहब्बत से आशना हों और हकीकत में जान सकें कि खुदा जिंदगी का खुदा है और वो जिंदगी इस ज़मीन पर और इसके बाद जो रूहानी ज़िंदगी होगी उसके बारे में उसने वाज़े हदायात हम तक पहुंचाई हैं, उसने वाज़े तौर पर हम सबको आगाही अता फरमाई है। अब ज़रूरी है कि हम इंसान तासुब और मज़ाहब की ऐनकें उतार कर वो ज़ात जिसने हमको खलक किया है, वो ज़ात जो हमें सांस अता फरमाती है, वो ज़ात जो हमारे लिए राज़िक है, वो ज़ात जो हमें इस ज़मीन पर हर वो चीज़ मुहैया करती है जो हमारी बका के लिए और सलामती के लिए और परवरिश के लिए ज़रूरी है, क्यों ना उस ज़ात की तरफ हम सब रजूफ करें। इंतज़ार, लम्हों का इंतज़ार। बड़े सगीर पाको हिंद में माँ उस लम्हे का इंतज़ार कर रही है जब वो अपने बच्चे को स्कूल भेजते वक्त ये नहीं सोचेगी आज ये वापस सलामती में आएगा या नहीं। एक मरीज जो बिस्तरे अलालत पर है उस लम्हे का इंतजार कर रहा है जब वो ये नहीं सोचेगा जो अद्वियात उसे दी जा रही हैं वो असली हैं या नकली हैं। मेरी जान को इस बीमारी के अजाब से निकालेंगी या मेरी जिंदगी के चिराग को गुल कर देंगी। वालदैन जब अपने बच्चे को, शीरखार बच्चे को दूध पिलाने के लिए जाते हैं तो वो इंतजार कर रहे हैं जब वो ये नहीं सोचेंगे कि ये दूध खालिस है या मिलावट शुदा है। पूरी दुनिया के लोग उस लम्हे का इंतजार कर रहे हैं जब ये सोच खत्म हो जाएगी कि अमन, सलामती,
खुशहाली, भाईचारा उनकी जिंदगियों का हिस्सा बन जाए, उस लम्हे का इंतजार है। अगर बातें करूं तो बहुत से और जिंदगी के पहलुओं पर भी बात हो सकती है। एक ऐसा ही शख्स था जिसको लम्हे का इंतजार था। लाइलाज मर्ज, लम्हे का इंतजार था हल मिल जाए, इलाज मिल जाए, बहाली मिल जाए, इंतजार। फिर उसको इस लम्हे का इंतजार था कि अगर खुदा है, उसके बारे में तालीम दी जाती है, तो वो फिर मुझसे भी हम कलाम हो, चूंकि खुदा की जात का ये खासा है। वो माजी में लोगों के साथ हम कलाम होता रहा है, आज भी होता है। ये शख्स उस लम्हे का इंतजार कर रहा था, और आज हम देखेंगे ये जो शख्स इंतजार कर रहा था उस लम्हे का, वो लम्हा क्या उसकी जिंदगी में आया। इससे पहले कि उसके साथ बात करें, चंद आयात एक शख्सियत के बारे में देखते हैं जिनको मसीही खुदामंद मानते हैं, और हमारे मुसलमान बहन भाई उनको एक अजीम नबी पैगंबर मानते हैं। आइए देखते हैं कुरान जब उनकी जात के बारे में बात करता है तो क्या कहता है। आइए देखते हैं। वो लोग जो खुदा की बातें सुनना चाहते थे या खुदा उन तक अपनी बातें पहुंचाना चाहता था, सूरह मरियम है 28वीं आयत है, दीगर बहुत सी आयात भी हैं। यहां पर खुदावंद यीशु अल मसीह के ताल्लुक से मसीही खुदावंद मानते हैं, इस्लामी बहन भाई उनको नबी मानते हैं, लेकिन आइए जो उनकी तालीम है उनको, उस तालीम को मानते या समझते हैं या नहीं, ये एक बड़ी बात है। यहां पर लिखा हुआ है इस आयत में और दीगर आयात में, वो लोगों से हम कलाम होते थे और दोनों अध्यान का मानना है कि वो जिंदा हैं। तो जिंदगी की दलील ये है कि वो जारी रहती है, जिंदगी जो हमें नजर आती है। अगर इंसान जिंदा है तो जिंदगी नजर आती है, उसकी हरकत और सुकनात, जिंदों की जमीन पर जिंदों की तरह रहना, और उसमें एक जो सिफत है वो बोलना भी है। अगर कोई बेजुबान है तो वो अलग बात है, लेकिन यहां पर लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह लोगों से हम कलाम होते थे और वो जिंदा हैं। और अगर वो जिंदा हैं तो जिंदा शख्स बोलता भी है। वो लोगों से हम कलाम होते थे तो क्या आज भी उनके साथ बात हो सकती है, आज भी वो लोगों से बोलते हैं? एक और, जिंदा तो हैं तो फिर बोलना तो जिंदगी की दलील भी है। एक शख्स जिंदा है तो वो बोलता भी है। अगली एक आयत है, अल इमरान है 49वीं आयत है, ला इलाज मर्ज से शिफा देना और मुर्दों को जिंदा करना, ये उनकी जात से मंसूब है। जब वो जमीन पर थे तो वो ये काम करते थे, शिफा देते थे। आज भी जिंदा हैं तो आज भी शिफा और जिंदगी क्या उनके वसीला से लोगों को मिलती है? अगर जिंदा हैं तो फिर जब वो जिंदा थे तब भी ये काम करते थे, आज भी वो जिंदा हैं तो क्या आज भी वो ये काम करते हैं? क्योंकि जिंदा है तो वो तो काम कर सकता है जो वो जमीन पर रहते हुए करते थे। फिर अगले सिफ्त जो उनकी जाते अकदस से मंसूब फरमाई गई है वो भी इसी सूरत और आयत में है, देकर आयात में है। अगर कोई कॉल करना चाहे तो जरूर कॉल कीजिए। कुछ अहबाब एतराज करते हैं कि जी आप सियाको सबाक से हट कर बात करते हैं, तो मैं दावत फिक्र देता हूँ, दावत खताब देता हूँ, दावत ख्याल देता हूँ, दावत तासुरात देता हूँ।
बात कीजिए, जो सही सियाको सबाक है वो हमें बतलाइए। मेरे पास तफासीर भी हैं, उलमा की कुतुब भी हैं, फिर उस पर बात हो सकती है। तो यहाँ पर लिखा है वो गैब की बातें, छिपी हुई बातें, जो जानने से इंसान कासिर हैं, जान नहीं सकते, वो भी बता देते थे। अब ये जितनी सफात इन आयात में बयान फरमाई गई हैं, मैं पूरी दुनिया के तमाम उलमा को, इंसानों को दावत देता इन आयात में जो सफात खुदावंद यीशु अल मसीह की ज़ात अक़दस के साथ मंसूब हैं, और अगर आप नबी मानते हैं तो उनकी ज़ात से मंसूब ये जो बातें हैं इनके बारे में तहकीक कीजिए, जानिए कि ये बातें अगर उनकी ज़ात से मंसूब हैं और ये रोज़े रोशन की तरह आया कि जब वो ज़मीन पर थे उन्होंने ये काम किए, गैब की बातें बताएं, मुर्दे जिंदा किए, ला इलाज मरीजों को शिफा अता फरमाई, पूरी दुनिया में हम आज भी जानते हैं कि ये तालीम दी जा रही है, लोग जानते हैं मानते हैं। और ये सफात जो हैं, खास तौर पर इन सफात पर आप खुद मुतालिया कीजिए कि ये सफात अगर उनकी ज़ाते अक़दस से मंसूब फरमाई गई हैं तो इसमें क्या पैगाम है। किसी इम्तियाज के बगैर जब हम मुतालिया करते हैं तो उसका एक हिस्सा है जिसको तकाबली जायज़ा कहते हैं। तकाबली जायज़े से मुराद है मुकाबला करना, मुवाजना करना, किसी चीज़ को झूठा या सच्चा साबित करने के लिए नहीं, बल्कि तहकीक में उस बात तक पहुंचना कि इसमें पैगाम क्या दिया गया है, असल ज़ुबानें क्या थी, उनमें इनका मतलब क्या था जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। उसके लिए आप अबरानी, यूनानी, अरामी, अरबी, आजकल कोई मुश्किल बात नहीं है, इंटरनेट पर सब कुछ मौजूद है, लेकिन अगर हम सीखना चाहें तो ये बातें जो उनकी ज़ाते अक़दस से मंसूब हैं इनका मुतालिया माफ़ कीजिएगा कीजिए, आप पर बहुत से राज खुलते चले जाएंगे। और फिर हम मत्ती की अंजील में देखते हैं, 11वां बाब है और 4वीं आयत से लेकर 6वीं आयत तक, यहां पर लिखा है यीशु ने, ईसा मसीह मानते हैं या खुदावंद यीशु मसीह मानते हैं, अल्फाज उनके सुनिए। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, जो कुछ तुम सुनते और देखते हो जाकर यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोड़ी पाक साफ किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है, और मुबारक वो है जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। पहली आयात मैंने कुरान से आप अहबाब के सामने रखी हैं, अब अंजील से ये हिस्सा पढ़ा गया है, बातें वही हैं, लेकिन यहां पर लिखा है यूहन्ना से जाकर कह दो कि ये निशानियां हैं, उसे बताओ। उलमाए आलम जो मेरा प्रोग्राम देखते और सुनते हैं, और दीगर अहबाब, आपकी तमाम मोहब्बतों के लिए शुक्रिया, आप जो लानते करते हैं उनके लिए शुक्रिया, और जो मेरे बहुत ही मोहसन हैं वो धमकियां भी देते हैं उनके लिए भी शुक्रिया। भाई ये तो तालीमी बातें हैं, अगर इनको सीखना है तो फिर हमें तालीमी रवैयों में सीखना पड़ेगा। और अगर कोई शख्स समझता है कि वो ज़्यादा जानता है तो बात दलील के साथ होनी चाहिए, इल्मुल तफसीर की रोशनी में होनी चाहिए और मोहब्बत के रवैयों में होनी चाहिए। सूरह अल-नहल की 125वीं आयत पढ़ के फिर आपको बात करनी चाहिए कि अगर आप कुरान को इल्हामी किताब मानते हैं और उसको रहनुमाई मानते हैं, मंबा मानते हैं रहनुमाई के लिए, तो सूरह अल-नहल उसकी 125वीं आयत वो कभी भी बात करने से पहले आप ज़रूर पढ़ा कीजिए।
और यहां पर हम देखते हैं यूहन्ना से कह दो, यूहन्ना से कहो कि ये निशानियां हैं। क्यों? इसलिए कि यूहन्ना पेशनगोइयों से वाकिफ है। जब मसीह आएगा, जिसके बारे में हम देखते हैं जबूर, तोरेत, अंजील, और फिर जो अहबाब कुरान का मुतालिया करते हैं उनको ये टाइटल दिया गया है मसीह, मसा किया हुआ, मखसूस किया हुआ, चुना हुआ शख्स, एक खास मकसद के लिए। यूहन्ना से कहो कि वो किताबों में ढूंढे, यूहन्ना से कहो कि वो इल्हामी कुतुब में ढूंढे, कि जो पेशनगोइयां यीशु अल मसीह की जाते अकदस के ताल्लुक से पाक नविश्तों में फरमाई गई हैं, वो पेशनगोइयों की तकमील आज उसके सामने है और वो इसकी परख कर सकता है, इसको जांच सकता है, और फिर जांचने के बाद उसकी मर्जी है कि वो ईमान लाए इस बात पर या ना लाए। लेकिन पेशनगोइयों की रोशनी में कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है, फलां ने कहीं, फलां ने कहीं, फलां ने कहीं, और फलां ने फलां से सुन ली। पेशनगोइयों के मुताबिक लिखी हुई वो इल्हामी कुतुब जो खुदाए इब्राहिम, इसहाक और याकूब ने अपना कलाम हम तक पहुंचाया है, उसकी रोशनी में झांक, तुझ पर सच्चाइयों के दरीचे खुलते जाएंगे। और यहां पर लिखा है यूहन्ना से कह दो कि ये निशानियां हैं, और फिर लिखा है मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए, ठोकर ना खाए, वो मुझ पर ईमान लाने से, इन बातों को समझने से दूर ना रह जाए। दुरुस्त सम्मत यह है कि ये निशानियां हैं और अगर मेरी जात के वसीला से ये पूरी हो रही हैं तो फिर देखो कि जो वादा, जो मंसूबा इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा ने मसीह के वसीला से मुकम्मल करवाना था वो मेरी जात अकदस में मुकम्मल हो रहा है। तो ठोकर ना खाए। आज भी बहुत से लोग हैं चूंकि वो उनकी जात अकदस को उस तरह से नहीं समझते जिस तरह से नविश्तों में बयान फरमाया गया है, इसलिए वो उनकी बरकात से दूर रहते हैं। गैब की बातें, ला इलाज, मरीजों को शिफा देना, और इसके साथ लोगों से हम कलाम होना, क्या यह सिर्फ माजी ही का किस्सा और हिस्सा था या आज भी होता है? आइए, एक शख्स हमारे साथ हैं आज, उनसे बात करते हैं। भाई कमार, हम आपको लाइव शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? शुक्रिया डॉक्टर साहब जो आपने समा दिया कि मैं अपनी गवाही पेश कर सकूं। जी, हम खुदावंत के शुक्रगुजार हैं कि उसने ये मौका हमें अता फरमाया है ताकि पूरी दुनिया के लोग देखें कि खुदावंत यीशु अल मसीह ने आपकी जिंदगी में क्या काम आज किया है। माजी की बात नहीं है बस। तो आप ये मुझे बताइए थोड़ा सा बचपन के बारे में, अपने खानदान के बारे में, और फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। जी डॉक्टर साहब, बात ऐसी है कि मेरा बचपन एक हिंदू परिवार में गुजरा और मेरे बाप दादा जो थे वो मंदिरों में पीर बाबा को मानते थे, और हमारी भी जो दुर्दशा थी बहुत भयानक थी, और हमें खुदावंद के बारे में जरा भी ज्ञान नहीं था, तो हम दर बदर भटकते थे और कोई भी हमें सच्चाई का पता नहीं था। तो ऐसे ही खुदा से, जिंदा खुदा से हम दूर थे, हमें पता नहीं था सच्चाई का। तो जब ब्रदर कुमार हमें ऐसे, भाई कुमार, ये मुझे थोड़ा सा बताइए, आप जब बचपन गुजरा हिंदू थे, आप क्या क्या करते थे ये थोड़ा सा बताइए। आपने कहा मंदिरों में जाते थे, बाबों के पास जाते थे, क्या करते वहां, क्या थे मंदिरों में जाते थे, क्या करते थे
बाबों के पास जाते थे, सुनिए मेरी बात बड़ी माफी चाहता हूं, मंदिरों में जाते थे, क्या क्या करते थे? जब बाबाओं के पास गए तो वहां क्यों गए और क्या करते थे वहां जाकर, थोड़ा सा ये बताइए। पहले मंदिरों में क्या करते थे, उसके बाद जब बाबों और पीरों के पास आप जाते थे या गुरुओं के पास जाते थे, भक्तों के पास जाते थे, वहां क्यों जाते थे, क्या करते थे, ये बताइए। हमारे लोग, हमारे बाप दादा, हम मंदिरों में जाते थे तो हम वहां भक्ति करते थे, माथा टेकते थे कि यही सच्चाई है। तो फिर उसके बाद मंदिरों में हमें सच्चाई नहीं मिली, उसके बाद हम जो पीर बाबों के पास जाने लगे, हमने हमारे घर में एक जो है उसकी जगह जो है बना लिया और उसको मानने लगे कि यही सच्चाई है, मिट्टी ली और उसको बना लिया और मिट्टी से बनाकर उसको पूजने लगे और उसको कहने लगे कि यही सच्चाई है। ये फिर मैं आपसे पूछूंगा, आपने ये जो मिट्टी का बनाया, क्या कोई बाबे की सूरत बनाई थी, क्या बनाया मिट्टी से, कोई मूर्ति बनाई, किसी बाबे की मूर्ति बनाई थी आपने, और किसने बताया आपको ये बनाएं, पूजा करें, कैसे पता चला आपको? वो हमारे जो बाप दादों के जो है ना सियाने मलाने होते हैं, उनको बाबा बोलते हैं, वो उन्होंने बोला कि आप अपने घर में एक मिट्टी लेकर और उस पर जो है ईंटें बांधकर और उसको जो है आप रख लें और उसके ऊपर आप जो है एक दीवे में सरसों का तेल डालकर और उसके आगे जो है रोज चिराग जो है उसको जलाना है तो आपको सच्ची शांति जो मिलेगी। ठीक है, फिर आपने वो बनाया और जलाने लगे तो उससे फिर आपको कुछ रहनुमाई मिली जो उन्होंने कहा था कि ऐसा होगा, कुछ हुआ कभी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमें और मुसीबतों में हम पड़ गए और परेशानी में, बीमारियों में पड़ गए, हमें कुछ भी सच्चाई और शांति मिली नहीं। हमारे घर में क्लेश था, हमारे घर में जो है लड़ाई झगड़ा होता रहता था। बहुत शुक्रिया, आपने ये बातें बताई हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, तफसील के साथ बताइएगा कि यीशु मसीह के पास आने का सफर कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, कब ये शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ, बस ये बात अब आपने बतानी है। यीशु मसीह की पहचान तक आने का सफर कब, फिर मैं दरखास्त करूँ, कब शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ? जी डॉक्टर साहब, हमारे घर में खुदावंद का बंदा एक खादिम हमारे घर में विजिट करने के लिए जब आया तो उन्होंने बाइबल पढ़ के हमें सिखाया कि सच्चाई जो खुदावंद के पास है क्योंकि वो जीवित खुदावंद है। भाई कुमार साहब, आप चूंकि आपने फरमाया आप हिंदू थे, ठीक है, आप बाबों की पूजा करते थे, ये खादिम क्यों आपके घर में आ गया, क्या हुआ था, क्यों बुलाया इसको, या खुद ही आ गया, कैसे आया ये? नहीं, वो एक हमारे पड़ोसी के घर में आया। ठीक है, हाँ ये बात हुई ना, जरा थोड़ी सी मैं चाहता हूँ लोगों को पता चले, पूरी दुनिया में लोग सुन रहे हैं कि ये हुआ कैसे। तो ठीक है, आपके पड़ोसी के घर में आया, फिर कैसे आपकी उनके साथ मुलाकात हुई? जब हमारे पड़ोसी के घर में आया तो जो मेरे मम्मा सी, उसने बोला कि हमारे घर में भी उन खुदा के खादिम को बुलाओ ताकि हमें भी जो सच्चाई का पता लगे, शांति का पता चले, हमारे घर में तो लड़ाई क्लेश झगड़ा चलता रहता है। तो ऐसा वो जब हमारे घर में खुदावंद का खादम आया तो उन्होंने हमें बताया प्रभु यीशु मसीह के बारे में, खुदावंद के बारे में बताया और हमने विश्वास नहीं किया। तो मैंने अपनी मम्मा से बात किया कि ये जो खुदा के लोग हैं सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, पैसे के लिए सेवा करते हैं, तो हमने उनकी बात मानी नहीं। तो वो खुदावंद का बंदा मेरे को कहने लगा, आज तू खुदावंद के लोगों से और खुदावंद से नफरत करता है, एक दिन तू खुदावंद का सेवक बनेगा और खुदावंद की खिदमत करेगा। ये मैं पवित्र आत्मा की ओर से बोल रहा हूं। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब वो खुदावंद का बंदा हमारे घर से चला गया तो एक महीने के बाद कम से कम मेरे जीवन में एक भयानक बीमारी आई जिसको टीवी का रोग बोलते हैं। तो वो हम लोग, मेरे घर वाले जो है डॉक्टरों के पास गए
मेरा इलाज कराने के लिए, तो जब डॉक्टरों के पास गए तो डॉक्टरों ने बोला कि इसकी बीमारी जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो अब इसको कहीं से भी जो है आराम नहीं मिल सकता, ये अच्छे नहीं हो सकती। तो ऐसा है डॉक्टरों ने बोल दिया। तो मेरे घर वाले सारे परेशान हो गए और बोलने लगे अब हम कहाँ जाएंगे, कैसे इसको आराम मिलेगा। डॉक्टरों ने भी जो है जवाब दे दिया है। तो उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि जो खादम हमारे घर में आया था, तो हमने दोबारा अपने पड़ोसी से बात किया कि हमें उनसे मुलाकात करा दीजिए। तो फिर हमारे जो पड़ोसी थे उन्होंने हमारी उसी खादम से मुलाकात कराया, तो वो खुदा का बंदा हमें बोलने लगा कि आपको चर्च में आना पड़ेगा। तो मेरे घर वाले बोले ठीक है, अगर हमारा बच्चा ठीक हो जाए तो हम चर्च में जरूर आएंगे। तो उसके बाद मेरे को चर्च लेकर कंटिन्यू जाने लगे। तो एक डेढ़ महीने के बाद जो है ऐसा हुआ कि वो खुदावंद के लोग, खुदावंद का खादम हमारे घर में आया। तो उसने बोला ये जो इसकी बीमारी है वो शैतान की ओर से है, तो इसके बीच में शैतान काम कर रहा है, जब इससे इसके बीच में शैतान निकल जाएगा तो इसकी बीमारी जो है सारी चली जाएगी। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे को आज भी वो दिन याद है, हमारे हिंदू धर्म में दीपावली मनाते हैं। तो दीपावली, जब दीपावली का त्योहार रविवार का दिन था, तो हमारे घर में विश्वासी लोग और खुदावंद का खादम आया। 10 से 11 बजे तक हमारे घर में उन्होंने दुआ किया और मेरे जो अंदर शैतान था वो और बढ़ने लगा, मेरी सांस जोर जोर से चलने लगी और मेरी खांसी जो है वो भी और बढ़ गई। तो उसके बाद जो है खुदावंद के बंदे ने बोला कि आपको विश्वास करना पड़ेगा, आप परमेश्वर आपको शिफा देगा, चिंगाई देगा। ये तो परमेश्वर, जब आप बात कर रहे हैं, माफी मैंने आपको रोका, जब वो कह रहे हैं परमेश्वर शिफा देगा, तो कौन सा परमेश्वर वो कह रहे थे, कौन सा खुदा कह रहे? खुदावंद, जिंदा खुदावंद की बात। हाँ, जिंदा खुदावंद, उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। हाँ, तो आपको ये बता रहे थे कि वो आपको शिफा देगा, जारी रखिए यहाँ से। हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने बोला कि आप विश्वास कीजिए, आपको जिंदा खुदावंद यीशु मसीह जो है शिफा देगा। तो मेरे घर वालों ने सचमुच प्रार्थना जो है दुआ करवाई, और उसके बाद जो खुदावंद के लोग जो है हमारे घर में घर से चले गए। और मेरे घर वाले बोले कि आज हमने जो है नीचे बैठकर हमने खुद दुआ करना है कि जो जिंदा खुदा है अगर वो उनकी सुनता है तो हमारी भी सुनेगा। तो उसी दिन, जो रविवार का दिन था और दीपावली की रात थी, और 11 से 12 बजे तक मेरे घर वाले सभी लोगों ने नीचे जो है चटाई लगाकर और बैठ गए और खुदावंद से रो रो कर प्रार्थना किया कि हमारे बच्चे को जो है ये दुष्ट आत्मा से, जो शैतान से शिफा मिलना चाहिए। तो सचमुच जो जब रात के 12 बजे, तो एक दुष्ट आत्मा जो शैतान था, एक बाबा था जो मेरे बीच में बोल रहा था, वो 12 बजे चीके लगा कर मेरे ऊपर से बोला कि जो भी बीमारी है मैंने लगाई है, तो मैं आज इसके शरीर को छोड़कर मैं जा रहा हूं। तो वो चला गया। तो उसके बाद जो है मेरे को खुदावंद ने, जिंदा यीशु मसीह ने शिफा दे दिया। जी, बहुत बड़ी गवाही है। इस वक्त पूरी दुनिया में जो लोग सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जिन्होंने मेरी फेसबुक पर, वेबसाइट पर लिखा कि यीशु मसीह शिफा नहीं देता, शिफा खत्म हो चुकी है, ये इंसानों के अल्फाज तो हो सकते हैं, लेकिन यीशु अल मसीह के बारे में फरमान है कि यीशु मसीह कल, माजी में, आज, हाल में, मुस्तकबिल में, हमेशा तक यकसा है। और जब मुकाशफा की किताब में उनका एक शागिर्द यूहन्ना पतमस के जजीरे में था, यह जजीरा दुनिया
کہ جو بارونق شہر اور علاقے تھے وہاں سے دور جہاں تک کسی کی رسائی نہیں تھی، اور وہاں پر یسوع المسیح کا شاگرد وہ قید میں ہے، شاید وہ مایوس اور نا امید ہو رہا ہوگا، اور ایک دن یہ ہوا کہ یسوع المسیح جن کو مسیحی خداوند مانتے ہیں اور ہمارے مسلمان بہن بھائی ان کو نبی مانتے ہیں، دونوں ادیان ان کو زندہ مانتے ہیں، یہ شاگرد پتمس کے جزیرے میں مسیح کی گواہی دینے کے سبب سے قید میں ہیں، اور ایک دن ایسا ہوا کہ حضور المسیح اس پر ظاہر ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ دیکھ میں مر گیا تھا، میں زندہ ہوں اور میں ابدل آباد تک زندہ رہوں گا۔ یہ پہلی صدی کا مسیحی جو قید میں تھا اس پر یسوع مسیح ظاہر ہوئے، اور آج آپ 2016 میں یہ سن رہے ہیں کہ وہی یسوع مسیح جو مر گیا تھا، جو جی اٹھا اور ہمیشہ تک تخت پر بیٹھا ہوا زندہ ہے، آج وہ بھائی کمار کے منہ سے آپ تک یہ پیغام پہنچا رہا ہے، دیکھو میں مر گیا تھا، زندہ ہوں اور ابدل آباد زندہ رہوں گا۔ یہ ہندو گھرانہ جو بت پرستی اور ابراہیم اسحاق اور یعقوب کے خدا سے دور دیگر خداؤں کی پیروی میں تھا، ایک شام وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ نے سنا ہے، اور وہ گھر میں بیٹھے انہوں نے کہا ہم پکاریں گے زندہ خدا کو، اور انہوں نے پکارا اور زندہ خدا نے جو لا علاج بیماری تھی، ابھی آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی، لا علاج مرض، ڈاکٹرز نے کہا تھا کوئی امید نہیں ہے، لیکن یسوع مسیح جو امید جہاں ہے بلا امتیاز، وہ کسی بھی علاقے سے تعلق رکھنے والا شخص ہے، کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص ہے، کسی فلسفے کو ماننے والا ہے، اس کا وعدہ ہے مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا، اور میں تم پر گہری اور بڑی بڑی باتیں کھول دوں گا۔ اور اس بیماری کی وجہ غیب کی باتیں، ابھی میں نے آیات رکھی، ڈاکٹرز تو نہیں جان سکے لیکن بیماری کی جڑوں سے وہ واقف ہے جو غیب کی باتیں بھی جانتا ہے، اور اس نے شیطان سے بھی آزاد کر دیا اور بیماری سے بھی آزاد کر دیا، چونکہ وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں ہیں۔ اور میں ان کی ذات اقدس سے آپ کو متعارف کرواتا ہوں، کوئی سوال ہو، کوئی بات ہو، آپ براہ راست ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، کسی انسان پر غصے ہونے کی ضرورت نہیں، کسی تعلیم پر غصے ہونے کی ضرورت نہیں، چونکہ وہ زندہ ہیں تو کیوں نہ زندہ سے بات کر لی جائے، اور وہ خود آپ کو اپنی ذات اقدس سے متعارف فرمائیں گے، چونکہ انہوں نے فرما رکھا ہے دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ بھائی کمار، اب آپ ہمیں بتائیے کہ آپ مسیح کے پھر پیروکار کیسے بن گئے؟ جب یہ لا علاج مرض سے شفا دی، شیطان سے چھٹکارا مل گیا، تو اس کی پیروی کا فیصلہ کیسے کیا اور کس طرح سے ان کے پیروکار بنے؟ جی آپ بتائیے، پوری دنیا میں لوگ سن رہے ہیں، اور اگر کوئی شخص کال کرنا چاہے تو ضرور کال کیجئے، ہماری ٹیلی فون لائنز بھی اوپن ہیں۔ جی کمار صاحب، مسیح کی پیروی کیسے کرنا شروع کی، یہ بتائیے۔ جب ڈاکٹر صاحب میرے کو وشواس ہو گیا کہ پربھو یسوع مسیح جیوت خدا ہے، تو اس کے بعد میں نے لگاتار چرچ میں جانا شروع کیا، اور جدو لگاتار چرچ میں جانا شروع کیا تو پاسٹر صاحب نے بولا کہ جیسے رومیا 10 ادھیائے اور اس کی 8 وچن میں ایسا لکھا ہے کہ ہردے سے وشواس کرنا اور منہ سے انگیکار کرنا بہت ضروری ہے، تو وہ وچن میرے دل میں پورا گھر کر گیا، تو اس وچن کے دوارا میں نے پربھو یسوع پر جو ہے وشواس کر کر انگیکار کیا، اور پربھو یسوع مسیح اپنے پاپوں کو مان کر
मैंने निजात हासिल की और उसके बाद मैंने। जी बहुत शुक्रिया। भाई कुमार ने रोमियो के खत का हवाला दिया है और बताया कि उनको बताया गया था अगर कोई शख्स जुबान से यीशु मसीह के खुदावंद होने का इकरार करे और दिल से ईमान लाए कि उनका आना उनको निशानी कहा गया है, उनको मर्सी कहा गया है, खुदा की तरफ से मर्सी, तर्स खुदा का, और जो तर्स और मर्सी मिली है वो इंसान को रासबाजी का रुतबा देने के लिए है, जो मसीह में है उस पर सजा का हुक्म नहीं है, मसीह में मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं, ये तालीम है बाइबल की, और ये लिखा है कि उनको निशानी तर्स बनाकर भेजा गया है। जो शख्स दिल से ईमान लाए कि वो मेरे गुनाहों को मुआफ करने के लिए, मेरे गुनाहों की सजा के लिए सलीब पर मर गए, दफन हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और वापस आएंगे हमें लेने के लिए, और उनको खुदामंद माने, तो लिखा है जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, हक फर्जंदियत और रास्तबाज ठहराया जाना, इस फजल जो यीशु अलमसीह के वसीला से जो तर्स मिला है उसमें ये हमारे लिए पेशकश आसमान से की गई है। तो कुमार साहब, जब आपने यीशु मसीह को खुदामंद कबूल कर लिया, उनके पैरोकार बन गए, तो ये बताइए फिर आपकी जिंदगी में क्या तब्दीलियां आई, क्या बदलाव आया, क्या नई चीजें हुई, ये आप बताइए हमें। फिर जब मैंने यीशु को निजात हासिल कर लिया मैंने, तो मेरी जिंदगी में एक खुशहाली आई, मेरी जिंदगी में शांति आई। पहले मैं बहुत ही बुरे काम करता था, बुरे लोगों के साथ मेरा उठना बैठना, मेरा चलना फिरना था, तो मैंने उन बुरे लोगों को छोड़ दिया, मेरी एक अलग पहचान हो गई। मैं चाहूंगा कि ये तो आपने एक बात बताई कि बुरे लोगों के साथ आपका उठना बैठना था वो छूट गया, तो फिर आप अच्छे लोगों में बैठने लगे, और इसके साथ साथ और क्या तब्दीलियां आपकी जिंदगी में आई, कुछ थोड़ा सा हमें बताइए, चूंकि पूरी दुनिया में लोग जानना चाहते हैं कि जब कोई मसीह का पैरोकार बन जाता है, एक तो आपने बताया कि बुरी सोबतें आपने छोड़ दी, अच्छी सोबतों में आ गए, इसके अलावा क्या क्या आपकी जिंदगी में और आपके परिवार में चमत्कार हुए या तब्दीलियां आई? फिर उसके बाद जो है मेरे परिवार वालों ने पूरा विश्वास किया, तो और जैसे वचन में लिखा है, रसूलों के कर्तव्य में ऐसा लिखा है, तू बच तेरा पूरा कराना बचाया जाएगा। तो कुमार भाई बहुत शुक्रिया, मैं बात जारी रखूंगा, एक कॉलर हमारे साथ हैं तो उनके साथ बात करते हैं। जनाब आप ऑन एयर हैं बराए रास्त शो फजले रबी में, आपका मौका है, बात कीजिए। सलाम सलाम जनाब, मैं आपको प्रोग्राम जी, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, फजले रबी बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। और एक भाई मैं अपनी पेश करना चाहता हूँ, मेरा नाम अब्दुल्ला था पहले, आज मैं अब्दुल मसीह हूँ। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई, कोई और बात बताना चाहें आप? मैं पहले अंधेरे में था, लेकिन अब मैं इस तरह अपनी जिंदगी को समझता हूँ कि मैं रोशनी में आ गया हूँ, जब से मैंने मसीह को कबूल किया है मेरी जिंदगी एकदम तब्दील है। आपने कैसे इलाके में रहता हूँ? जी जी बात कीजिए, बात कीजिए, आपका वक्त है, बात कीजिए, सुन रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मैं एक ऐसे इलाके में रहता हूँ जहाँ बिल्कुल कोई मसीह नहीं था, मैं यानी ये एक जिंदा मसीह की एक निशानी लेके उसने मुझे भी वहाँ पर मौजूद का एहसास दिलाया। तो आप दुनिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो हमारे पूरी दुनिया में नाज़रीन सुन रहे हैं, देख रहे हैं? अब्दुल्ला भाई आप क्या पैगाम देना चाहेंगे पूरी दुनिया को यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा अब्दुल्ला भाई, बहुत शुक्रिया, थोड़ा सा ऊंची बोलिए प्लीज। जी आ रही है, आप शुक्रिया। ये कहना चाहूंगा कि मसीह को मान कर वो भी निजात से रखना है, मैंने भी निजात हासिल कर ली है, उससे सिर्फ और सिर्फ निजात मसीह। आपने निजात यीशु मसीह के वसीला से हासिल कर ली है, ये क्या निजात है जो आपको मिली है अगर आप बताना चाहें तो? मसीह
رحمان ہے کہ مسیح زندہ ہے اور مسیح کے ذریعے ہی نجات ہے. خدا نے یہ دنیا اپنے ایک بیٹے کے لیے بنائی اور صرف نجات مسیحت میں ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. کیا آپ دلیل دیں گے اس کی؟ کیا بتائیں لوگ کیسے سمجھیں اس بات کو؟ آپ کو کیسے سمجھ آئی ہے اس بات کی اگر بتانا چاہیں تو؟ آپ کو یہ بات کیسے سمجھ آ گئی اور لوگوں کو نہیں آ رہی؟ لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ کیسے وہ سمجھیں اس بات کو کہ یسوع مسیح نجات دہندہ ہیں؟ کیا ان کو پکاریں یا ان کے بارے میں سٹڈی کریں؟ کیا کریں کہ ان پر یہ بات کھل جائے؟ کتاب مقدس کی سٹڈی کرے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے اور یسوع پر ایمان لائے اور اس کے نجات سب کے لیے. میرا یہی پیغام ہے کہ میں ایک ایسے علاقے سے یسوع پر ایمان لے آیا ہوں, وہ اس نجات روشنی میں آئے, اندھیرے سے نکلے, میں بھی نہیں اندھیرے سے نکل روشنی میں آ گیا ہوں. بہت شکریہ عبداللہ بھائی, یہ الفاظ کافی ہیں کہ میں اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ گیا ہوں. یہ الفاظ ایک ایسے شخص کے ہیں جو کہہ رہا ہے کہ میں پہلے اندھیرے میں تھا. میری ویب سائٹ پر کسی نے لکھا تھا, جناب میں بھی جیسے آپ روشنی میں ہیں روشنی میں آنا چاہتا ہوں. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی اندھے کو آنکھیں مل جائیں تو وہ بتا سکتا ہے میں اب دیکھ سکتا ہوں, پہلے دیکھ نہیں سکتا تھا. دعوی المسیح ہے, پہلے بھی میں نے عرض کیا, دعوی خداوند یسوع المسیح, اور دعوی کرنے والے کی یہ دلیل ہے کہ وہ اس وعدے کو اس دعوے کو ثابت بھی کرے. اگر دعوی ثابت نہیں ہے تو پھر دعوے پر شک ہے. دعوی خداوند یسوع المسیح کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں دنیا کا نور ہوں, جو کوئی میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ رہے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا. اور یہ آیت جو ابھی سکرین پر آپ نے دیکھی, یہاں پر معجزات کا ذکر ہے, لیکن میں بات کر رہا ہوں جو انہوں نے کہا میں تاریکی میں تھا اب روشنی میں ہوں. اور دعوی حضور المسیح, دعوت حضور المسیح, جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ رہے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا. اگر کوئی زندگی کا نور پانا چاہتا ہے, انہوں نے کہا کہ میں سب کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ کتاب مقدس کو پڑھیے اور خداوند یسوع المسیح کی ذات سے آشنائی پانے کے لیے آپ سب کو دعوت ہے. وہ اسلام کے پیغمبر, بہت بڑا رتبہ اسلام میں, مسیحت میں ان کو خداوند مانا جاتا ہے. تو آپ ان کی ذات اقدس سے متعارف ہونے کے لیے, وہ زندہ ہے, خود قدم بڑھائیے, وہ آپ کو اپنے بازوؤں میں لے لینے کے لیے تیار ہیں. اور یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ان کا ہر ایک دعویٰ ضمانت کے ساتھ ہے, اور ضمانت یہ ہے آسمان اور زمین, آسمان اور زمین ٹل جائیں گے. آپ جب ہر روز سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں, زمین بھی موجود, آسمان کو بھی آپ دیکھتے ہیں, لیکن پاک نوشتوں میں لکھا ہے یہ سب ایک دن ختم ہو جائیں گے, نیا آسمان نئی زمین آئے گی. لیکن یہاں پر وہ دنیا کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آسمان اور زمین شاید آپ اٹھو نہ ہوں, لیکن ہو سکتا ہے نہ ہوں, لیکن میری باتیں اٹل ہیں, ایسا ہو نہیں سکتا. جو وعدہ میں نے کیا ہے, جو دعویٰ میں نے کیا ہے, اور جس بات کی ضمانت میں نے تمہیں دی ہے, وہ نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا. چونکہ میں, جب وہ اپنے شاگردوں سے بات کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے, اور فرماتے ہیں دیکھو میں دنیا کے آخر تک جب تک تم زمین پر ہو تمہارے ساتھ ہوں. اور پھر ان کا فرمان ہے کہ میں آؤں گا اور جو میرے پیروکار ہیں, جو میرے پیچھے چلتے ہیں, میں ان کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا. اور اگر آپ مکاشفہ کی کتاب کے آخری ابواب کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں زندگی کیسی ہوگی, پاکیزگی, نہ رونا, نہ دکھ, نہ تکلیف,
और आज जो मसीही दुखों में से गुजर रहे हैं, मसीह पर ईमान लाने की खातिर, उनको बताना चाहता हूं, लिखा है फरमानुल यस्सू अल मसीह, वो तुम्हारी आंखों के सब आंसू पहुंच देगा, तुम्हारे दुखों का मदावा हो जाएगा, मौत और दुख का खात्मा, और यस्सू अल मसीह की जिंदगी में पाकीजा जिंदगी हमेशा से हमेशा तक खुदा के साथ। दुनिया का नूर मैं हूं। आइए भाई कुमार से हम बात करते हैं कि मसीह की पैरवी के बाद क्या क्या चमत्कार और हुए, तब्दीलियां आई। भाई कुमार जारी रखिए। उसके बाद मेरे घर में पूरी तब्दीली आई, जैसे रसूलों के कर्तव्य में लिखा है, तू बच तेरा पूरा घराना बचेगा। तो वैसे मेरे घर में बहुत ज्यादा तब्दीली आई, पूरा परिवार जो है जिंदा खुदा के बीच में आया, और पूरा परिवार आज जो मिलकर परमेश्वर की महिमा कर रहा है। हमारे घर में शांति है, लड़ाई झगड़ा खत्म हो चुका है, और जैसे प्रभु ने वादा किया है कि जाओ दूसरे लोगों को भी मेरी बातें बताओ, तो हम उनकी बातें बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया कुमार भाई। अब आप हमें ये भी बताइए कि इस वक्त आपने कहा कि आप लोगों को जाकर बता रहे हैं यीशु मसीह के बारे में, तो अभी एक कॉलर हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लें, तो फिर आपसे मैं पूछता हूं कि क्या क्या यीशु मसीह आपके वसीला से कर रहे हैं। एक कॉलर है, इनके साथ बात करते हैं। जनाब बराए राज शो फजले रबी में खुश आमदीद कहते हैं, आप ऑन एयर हैं, बात कीजिए। जी इस्लाम भाई जी, मैं डेविड बात कर रहा हूँ यूएसए से। जी बहुत शुक्रिया डेविड भाई, आपने कॉल किया, शो में बात कीजिए। जी थैंक यू, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, अभी भी लगा हुआ है जिंदगी टीवी पे, और मैं मुझे बड़ी खुशी हुई जब आप भाई कमाल का प्रोग्राम दिखा रहे हैं और एक भाई अब्दुल्ला की गवाही आप सुना रहे थे, तो मैं बहुत खुश हुआ। मेरा दिल चाह के मैं कॉल करके जिंदगी टीवी के लिए ये कहूँ कि खुदावंद आपको और जिंदगी टीवी को और बढ़ाए, और खुदा अपने फजल में छुपाए रखे आप सब लोगों को। आप सब टीम के लिए मेरी दुआ है कि खुदा आप सारी टीम को अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करता रहे। डेविड भाई बहुत शुक्रिया, आपने मोहब्बत भरे अल्फाज हमारे लिए कहे और नेक ख्वाहिशात का इजहार फरमाया, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं शख्सी तौर पर और अपनी टीम के साथ आप तमाम अहबाब से दरख्वास्त करता हूं कि आप हमें अपनी शख्सी दुआओं में और कलीसियाई दुआओं में, पूरी दुनिया में दरख्वास्त है, हमें हमेशा याद रखिए। और खुदामंद का शुक्र करते हैं डेविड भाई जिसने ये जिंदगी बख्शी कि उसकी जिंदगी बख्श बातों को हम कौमों तक पहुंचा सकें। सारा जलाल हमारे बादशाह खुदावंद यीशु मसीह के लिए है। और आप दुआओं में याद रखिए, कॉल कीजिए, दूसरों को भी बताइए जिंदगी टीवी के बारे में, ताकि वो भी बरकत पाएं। बहुत शुक्रिया, कोई और बात करना चाहें तो कर सकते हैं। जी थैंक यू सर, बस यही कहना था मुझे, और खुदावंद आपके साथ हो जी। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, दूसरों को जरूर बताइए हमारे प्रोग्रामों के बारे में। बहुत शुक्रिया, खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। जी कुमार भाई आपसे बात करते हैं, आपने फरमाया कि अब आप जाकर गैर कौमों को, दीगर लोगों को खुदावंद यीशु अल मसीह की मोहब्बत, उनके वसीला से निजात, गुनाहों की मुआफ़ी जो मिलती है उसके बारे में बताते हैं। तो इस ताल्लुक से बताइए, जब आप मुख्तलिफ इलाकों में गए तो क्या क्या हुआ, कैसे खुदावंद की खिदमत हो रही है, थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें। सन 95 में और 21 दिसंबर को मैंने पानी का बपतिस्मा लिया, और पानी के बपतिस्मे लेने के बाद मैं तुरंत एक साल की ट्रेनिंग के लिए दिल्ली चला गया। तो दिल्ली जाने के बाद मैंने पूरा ट्रेनिंग को लिया और बाइबल की और शिक्षा लिया मैंने, और उसके बाद 2-3 साल तक और शिक्षा लेता रहा अपने जो प्रभु के सेवक, जो खुदावंद के बंदे, खुदावंद के खादम थे, उनके साथ मिलकर सेवा में चलता रहा। और उसके बाद 3 साल पूरे होने के बाद
मेरे मेरे को उन्होंने मसा किया। मसा करने के बाद मैं उनसे अलग हो गया और प्रभु की सेवा में जुट गया। तो जब मैं प्रभु की सेवा में जुट गया और धीरे धीरे जो मैंने एक चर्च शुरू किया और पूरे वहां हिंदू लोग मेरे पास आते हैं, तो उसके बाद जो है वहां से शुरू किया। और दो जो लोग उन्हीं कलीसियों में निकले और जिन्होंने प्रभु को जाना, और अब वो भी दो लोग, दो भाई लोग जो है मेरे साथ सेवा में मिलकर कर रहे हैं और उनके पास भी कलीसिया है, उन्होंने भी ट्रेनिंग किया है और बाइबल की पूरी शिक्षा लिया है। अब जो है वो जगह मैंने उनको दे दिया है। तो मैंने नई जगह 2013 में शुरू किया था, तो वहां भी मैंने एक चर्च शुरू किया और वहां भी मेरे पास जो है भिन्न भिन्न क्षेत्र से लोग आ रहे हैं। और 2013 से लेकर आज तक जो है मेरे पास जो है 100 लोग है, तो वो मेरे साथ मिलकर सेवा कर रहे हैं और मैं उनको और भी खुदावंद की बातों बताकर, और जैसे लिखा है मैथ्यू और उनकी 28 और उनकी 18, 19, 20 में लिखा है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे को बताया महान उद्देश्य कि जाओ लोगों में जाकर शुभ समाचार सुनाओ, उनको खुशखबरी सुनाओ, तो वही काम जो है हमारी जिंदगी में आज पूरा हो रहा है। बहुत शुक्रिया। आप जा रहे हैं और लोग हुजूर मसीह की जात से वाकफियत हासिल कर रहे हैं। अब मुझे ये भी पता चला था कि आपने कहा कि यीशु मसीह जब तक आप डायरेक्ट मुझे ना बताएं, बराह रास्त मेरे साथ बात ना करें, मैंने खिदमत नहीं करनी। वो क्या बात थी, वो थोड़ा सा बताइए हमारे नाजरीन को। हाँ हाँ जी, जब मैंने 2 साल का लेट पा दिया था, 2 साल का मैंने सेवा छोड़ दिया और मैंने अपने मन में सोचा कि जब तक खुदावंद मेरे से पूरी रीति से बात नहीं करता तो मैंने सेवा जो है आगे लेकर नहीं जाना। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने 2 साल का डिले डाल दिया और सेवा छोड़ दिया और मेरे घर में दोबारा हमारे घर में जो है वही क्लेश, वही लड़ाई झगड़ा आना शुरू हो गया। तो वो हमारा घर जो है पूरा कर्जे में डूब गया था, तो हम कर्जाई हो गए, 80,000 के कर्जाई हो गए। तो मैं एक नौकरी की तलाश में चला गया। हमारे साथ में एक स्टेज पड़ती है हिमाचल, तो हिमाचल में मैंने 1 साल में नौकरी के लिए चला गया और वहां मेरा एक अंकल था, वो भी प्रभु को मानता था और प्रभु में चलता था। तो उनको जो दर्शन हुआ मेरे बारे में, तो उन्होंने सुबह मेरे को बताया कि आप प्रभु की सेवकाई छोड़कर आए हैं, तो आप दोबारा उसी में जाएं तो आपको आशीष मिलेगी। तो मैंने बोला आपको कैसे पता चला, तो उन्होंने बोला कि मेरे को रात को प्रभु ने दर्शन देकर बताया है आपके बारे में, आप दोबारा जाइए और प्रभु की सेवा में जुट जाइए। तो मैंने उनको बोला जब तक प्रभु मेरे से बात नहीं करता मैं सेवा में नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने मेरे को बोला आप ऐसा कीजिए कि 3 फास्टिंग रखिए, 3 रोजा प्रार्थना कीजिए और आपको जवाब जरूर मिलेगा। तो मैंने उसके बाद जो है 3 रोजे रखे और प्रार्थना में जुटा रहा और 3rd दिन रात को 12 बजे एक स्वर्गदूत आया और उनसे मेरी बात हुई। उसने बोला कि बेटा सचमुच जो तुझे पैगाम मिला है उसी पैगाम को लेकर आप वापस जाओ और मेरी जो सेवा आपको मिली है उसी सेवा में जुट जाओ और आप आशीष पाएंगे, प्रतिफल मिलेगा, नहीं तो आप जो है कर्जे में डूब जाएंगे और दुख पाएंगे और आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो मैंने उसकी बात को मान लिया। तो फिर ऐसा हुआ कि एक और बात स्वर्गदूत ने मेरे को बोली कि सुबह एक इंसान आपके पास आएगा, आप उनको नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता, तो आपको जो बोलेगा उनके पास आपने जाना है और उनके साथ आपने जरूर जाना है। तो मैंने बोला ठीक है। सुबह होने के बाद सचमुच एक अजीब काम हुआ। हिमाचल में जब मैं रहता था तो पहाड़ी के ऊपर था, तो वहां एक इंसान आया मेरे पास, तो बोलता है आपका भाई ए नाम है, तो आप खुदावंद की खिदमत करते हैं? तो मैंने उनको बोला हाँ जी हम करते हैं। तो उन्होंने बोला आप मेरे साथ जाइए, चलिए मेरे घर में। तो मैंने बोला मैं कैसे जाऊं,
तो उसने बोला नहीं आप हमारे साथ आइए। तो मेरा जो अंकल साथ में था वो भी बोला हाँ जब प्रभु ने बोला है तो आपको जाना चाहिए। तो हम उनके घर में चले गए। जब उनके घर में गए तो उनका पूरा घर जो है देवी देवताओं से भरा हुआ था, मूर्तियां थी छोटी छोटी बनी हुई और काफी कुछ तस्वीरें लगी हुई थी देवी देवताओं की, और उनके घर में जो धूप अगरबत्ती है वो भी पड़ी हुई थी। तो मैंने बोला आपने हमें क्यों बुलाया है? तो उन्होंने बोला कि हमारी एक छोटी बच्ची है जो 10 साल की है, तो उनकी जो आंखों की रोशनी चली गई है 2 साल से। मैंने बोला ये कैसे हुआ? उसने बोला कि 2 साल से इनको तेज बुखार हुआ था और तेज बुखार की आने से इनकी आंखों की रोशनी चली गई। तो हमने कई डॉक्टरों से इनके इलाज करवाया लेकिन डॉक्टरों ने बोला इसकी रोशनी जो है आंखों की वापस नहीं आएगी। तो फिर आपने वहां वहां पर आप बताइए, एक मिनट आपके पास है, तो आपने फिर वहां क्या खुदावंद ने किस तरह से आपको इस्तेमाल किया ये बता दीजिए। हाँ जी मैं बताता हूँ। तो मैंने बोला आपको विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित खुदा है? उन्होंने बोला हमारे जितने देवी देवते हैं इनके पास हमने दुआ कर करके बोल बोल करके बोल दिया है लेकिन कोई छुटकारा नहीं है। तो हमें दर्शन हुआ है आपके बारे में। तो खुदावंद ने बताया है कि वो खुदा हमारा वहां पहाड़ी पर रह रहा है, उनके पास आप जाइए। तो फिर मैंने क्या बोला कि आप ऐसा कीजिए, एक थोड़ा सा एक पानी लेकर आइए। उन्होंने एक जग में थोड़ा सा पानी लेकर आए। तो मैंने दुआ कर कर और उसी बच्ची जी हाँ जी बताऊंगे तो वो बच्ची शिफा पा गई। मैं बताऊं जी अभी यीशु मसीह ने उसे शिफा दे दी। मैं चाहूंगा कि आपके पास सिर्फ आधा मिनट है। यीशु मसीह ने उसे भी शिफा दी। मौजजाना तौर पर एक शख्स आपके पास आया और खुदावन ने आपके वसीला से मौजजा किया। आपके पास आधा मिनट है, पूरी दुनिया के लोगों के लिए दुआ कीजिए कि यीशु मसीह से आशना होकर जिंदगी पाए। फिर जब जब हमने प्रार्थना किया 8 दिन के बाद जो उस लड़की को आंखों की रोशनी जो है वापस आ गई और उन्होंने प्रभु की खुदावन की प्रशंसा किया और प्रभु में चलने लगे। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आप सुन रहे हैं माजी के किस्से नहीं हाल की बातें हैं, और इन हाल की बातों में क्या पैगाम है वो ये है कि तेरे दुख तेरे गुनाह, बहुत शुक्रिया कुमार भाई फिर भी आपसे बात होती रहेगी, तेरे दुख तेरे गुनाह तेरी मायूसियां तेरी नाउम्मीदियां तेरी तारीकियां कितनी भी गहरी और बड़ी क्यों नहीं है, दावे अल-मसीह जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। अगर कुमार जिनको डॉक्टरों ने लाइलाज करार दे दिया, जिन्होंने कहा मेरे साथ हम कलाम होंगे तो आपकी खिदमत करूंगा, और फिर मौजजाना तौर पर एक शख्स जो जानते भी नहीं वो भी पहुंचा और उनकी बेटी को भी शिफा मिल गई, ये तमाम कमालात ये मौजजात खुदावंद यीशु मसीह की जाते अकदस के वसीला से हो रहे हैं। अब आपका मौका है, फायदा उठाइए या ना उठाइए, खुदावंद आपको बरकत दे, यीशु मसीह आपके मुंतजिर हैं। इजाजत चाहता हूं, फिर मुलाकात होगी। आपका मेजबान दानियाल।